मेरा नाम निकिता है और आज मैं लेकर आई हूँ कुल्हड़ का DIY, जो कि ये दशहरे पर आई थी। इनकी पूजा होती है, इनमें खील पतासे रखते हैं और फिर ये ऐसे ही रखी रहती है। उसके बाद सभी के घर पर होगी, आपके भी यहाँ पे होगी। सोचा कि क्यों ना आज इन्हीं का DIY हो जाए, तो मैंने इस पे फेमिकोल लगा के मिनर्स लगा दिए हैं। अलग अलग डिज़ाइन के हैं मेरे पास मिनर्स, छोटे बड़े आपके पास जो भी हो उन्हीं को यूज़ कर लेना। फिर मैंने वॉल पुट्टी ली है और उसमें फेमिकोल डाला है और थोड़ा सा पानी, और उसके बाद इन सबको मिक्स करके एक थिक पेस्ट बना लेना है, जो कि हम अपनी कुल्हड़ पे लगाएंगे मिनर्स के ऊपर, ताकि मिनर्स अच्छे से जो स्पेस बचा हुआ है बीच में वो सब कवर हो जाए। और इसको मैं अपनी फिंगर से ही इसको अच्छे से इस कुल्हड़ पे फैला लूँगी। इसको हम सभी कुल्हड़ पर अप्लाई कर लेंगे और इनको ड्राई होने के लिए रख देंगे। ये करीब आधा घंटे में पूरी ड्राई हो जाएगी अच्छे से, और उसके बाद जो इस पर जो मिनर्स पे लग गई है ये वॉल पुट्टी, उसको हम एक गीला कपड़ा लेंगे। जो मिनर्स लगे हैं उनको अच्छे से क्लीन कर लेना है। फिर उसके बाद हमें कुछ नुकीली चीज़ लेनी है, जैसे कि मेरे पास तो प्रकार था, तो मैंने प्रकार से ही इनके कुल्हड़ पे जो बैक साइड में होल कर लिया है। उसके बाद टसल्स बनाने के लिए मैंने वाइट वूल ली है, आपके पास जो भी कलर की हो वो आपकी चॉइस है, आप ले सकते हो। मैंने वाइट कलर की वूल थी मेरे पास, तो मैंने वाइट ही ले ली है। उसके बाद मैंने टसल्स बना लिए है। मैं फर्स्ट टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ इग्नोर करना। टसल्स में जो एक्स्ट्रा वूल है उसमें हम हैंग करने के लिए कुछ मैंने बीट्स लिए हैं और कुछ ऐसे प्लास्टिक के पाइप आते हैं वो लिए हैं, और इन सभी टसल्स में इन बीट्स और पाइप को डाल लेंगे और उसके बाद कुल्हड़ भी डाल लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, तो मैंने कुल्हड़ से रिलेटिव ही पहले एक अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करी हुई है, तो वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो फिर इसके बाद एक मैंने रिंग लिया है, कलर की रोप से इस पूरे रिंग को कवर कर लेना है और फिर रिंग में सभी कुल्हड़ों को हैंग कर लेना है। और जो कुल्हड़ की मैंने वूल ली थी वो छोटी बड़ी ली थी, ताकि एक पैटर्न जो है क्रिएट हो सके, एक डिजाइन बन सके। और फिर इसको ऊपर हैंग करने के लिए भी मैंने ऊपर से इसमें एक वूल बांध दी है, कि हम इसको अच्छे से हैंग कर पाए, जैसे छत में या कहीं पे भी हमें हैंग करना है। और इस DIY को आप किसी भी फेस्टिवल, जैसे कि अभी दिवाली आ रही है, तो उस पर इसको डेकोरेट कर सकते हैं। फिनिशिंग के लिए मैं इन कुल्हड़ों पे वाइट कलर अप्लाई कर रही हूँ, और अब मेरा DIY होता है कंप्लीट। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।